है कि 33 डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए एनडीए की तरफ से आजसू पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती जसोदा देवी झारखंड आंदोलनकारी स्वर्गीय दामोदर महतो की धर्मपत्नी होंगी। ये मुख्यमंत्री जी तो 1932 करते करते 2023 में आ गए, 60-40 का नीति ले आए और 1985 के बाद में 1985 का हमने विरोध किया। डुमरी में आजसू पार्टी का प्रत्याशी होगा, ये एनडीए गठबंधन के में तय हुआ। इसके बाद पार्टी के कोर कमेटी की बैठक हुई, कोर कमेटी ने वहाँ के तमाम हालात को देखते हुए और जिस तरह से एनडीए गठबंधन का विजयी अभियान रामगढ़ से शुरू हुआ है, हम डुमरी में भी वैसे ही इतिहास रचना चाहते हैं। तो जैसा रामगढ़ में एक दूसरे के साथ गठबंधन धर्म निभाया गया, हम लोग डुमरी में भी निभाएंगे। इसको लेकर के संगठनिक तौर पे दोनों संगठन या जितने गठबंधन दल के सहयोगी हैं सबके साथ कैसा समन्वय हो, संबंध हो और एक संपर्क के साथ एकजुट होकर के हम विजयी अभियान को शुरुआत कर सकें। और जो उसके लिए प्रत्याशी का पार्टी ने तय किया है, हम उसकी घोषणा के लिए हम हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के और बुद्धिजीवी मंच के बंधुओं को जोर से सर, हमारा डोमन सिंह मुंडा बुद्धिजीवी मंच के अध्यक्ष की तरफ से जोहार है, सबका स्वागत है। जैसा कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव के संबंध में हमारे पार्टी के प्रधान प्रवक्ता ने आपको स्पष्ट कर दिया कि हम लोगों ने किस परिप्रेक्ष्य रास्तों से गुजरते हुए मीटिंग्स वगैरह करते हुए फाइनल निर्णय लिया है। पार्टी ने निर्णय लिया है कि 33 डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए एनडीए की तरफ से आजसू पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती जसोदा देवी झारखंड आंदोलनकारी स्वर्गीय दामोदर महतो की धर्मपत्नी होंगी। और पार्टी कोर कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि 17 तारीख को नामांकन करेगी, जिसमें पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो के साथ एनडीए के प्रमुख नेता भी मौजूद रहेंगे। देखिए, डुमरी विधानसभा क्षेत्र में आजसू का जनाधार है, पार्टी पूरी तरह से वहां पर सशक्त है, एनडीए पूरी तरह से सशक्त है। और एनडीए की अगर हम लोग बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और आजसू, अब 2019 का आंकड़ा देख ले, 1,08,000 वोट हम लोगों को लोकसभा चुनाव में आया था। निश्चित रूप से वो 1,08,000 हम लोगों का आया था। इस बार का हम लोगों का टारगेट है कि भारतीय जनता पार्टी, आजसू और एनडीए में शामिल दल 1.5 लाख वोट हम लोग लाएंगे। और हम लोग का नारा है अब की बार 1.5 लाख पर, और ये नारा हम लोग का हर हालत में इस नारा को हकीकत में बदलेंगे। एनडीए अपने जनाधार के बल पर और सबसे ज़्यादा जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार की करनी को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये जनता पूछेगी डुमरी विधानसभा क्षेत्र का कि वो क्या हुआ 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, क्या हुआ ओबीसी का आरक्षण, क्या हुआ शिक्षित बेरोजगारों को 5-5 लाख नौकरी देने का, क्या हुआ महिलाओं का आरक्षण, क्या हुआ ये पिछड़ों का जिसका पंचायत चुनाव में आरक्षण था उसको आपने शून्य करने का काम किया। तो ये भ्रष्टाचार आप देख लें, पूरी सरकार और सरकार में शामिल सभी लोग भ्रष्टाचार में आकर डूबे हुए हैं। तो आज पूरी तरह से डुमरी विधानसभा ने, पूरे राज्य की जनता वर्तमान सरकार के क्रियाकलापों से त्रस्त है, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, लॉ एंड ऑर्डर का हो, हर मामले में ये सरकार पूरी तरह से फेल। तो सरकार का जो करनी, उस करनी की बदौलत वहाँ की जनता इसको जवाब देने का काम करेगी। पूछेगी जनता कि क्या हुआ, जगन्नाथ जी
जिसके दम पर, जिनके नाम पर अनुभूति लेना चाहती है। क्या हुआ जगन्नाथ? जगन्नाथ जी सरकार या मंत्री नहीं चाहते थे, जगन्नाथ जी की इच्छा थी, हार्दिक की इच्छा थी। और वो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, वहाँ की जनता पूछेगी डुमरी कि आप, आपने जगन्नाथ जी की जी अंतिम इच्छा थी कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति झारखंड में लागू हो, क्या लागू हुआ? इसका जवाब डुमरी विधानसभा क्षेत्र की जनता देने का काम करे। मुख्यमंत्री अभी वहाँ गए थे, कुछ दिन पहले उन्होंने सभा किया, 1932 का जिक्र करते हुए कहा कि ये तो आप लोग नहीं चाहते, राजभवन हम तो कर रहे थे, राजभवन ने लौटा दिया। और आसू या बीजेपी नहीं चाहती है कि 1932 यहाँ लागू हो, इसलिए अड़ंगा लगा रहे। ये उठी ये स्थानीय नीति मुख्यमंत्री जी की कई बातों पर आप गौरी करें ना, मुख्यमंत्री जी यही सदन में, इसी सदन में मुख्यमंत्री जी खड़ा होकर बोले थे कि 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति देना संभव नहीं है। यही मुख्यमंत्री जी बोले थे कि क्या अगर हम यहाँ के ओबीसी को आरक्षण देंगे तो और लोगों को क्या हम उक्रेन भेज देंगे? यही मुख्यमंत्री जी हैं जो खड़ा होकर बोले थे कि हम राज्य में विस्थापन आयोग लागू करें। 43 महीने गुजर गए, कहाँ है मुख्यमंत्री जी का विस्थापन आयोग? सदन में दिया हुआ आश्वासन है, कहाँ गया? 43 महीने बीत गए, विस्थापन आयोग का क्या हुआ? 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का क्या हो गया? ये मुख्यमंत्री जी तो 1932 करते करते 2023 में आ गए, 60-40 का नीति ले आए, और 60-40 के नीति को रद्द करने के लिए आज पूरे राज्य के सारे युवा सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, सभी लोग आक्रोशित हैं। इसका जवाब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को मिलेगा। और ये मुख्यमंत्री जी ऐसा थोड़ा है कि पहली बार यहाँ पर जनसभा डुमरी में कर रहे हैं, जनसभा तो रामगढ़ में भी किए थे, कई जनसभा किए थे, रोड शो किए थे, जनता ने जवाब दिया रामगढ़ में, उसी तरह से डुमरी में भी मुख्यमंत्री जी को जवाब मिलेगा। डेट आप इतिहास उठा के देखिए कि हमने, हमें 1985 के बाद में 1985 का हमने विरोध किया था, निश्चित रूप से उसके मेरे पास साक्ष्य है, तथ्य है कि हम लोगों ने तुरंत पार्टी के कई वरीय पदाधिकारी तुरंत जाके मुख्यमंत्री जी से आपत्ति जता के, आप आपत्ति जताए थे, हम लोगों ने तुरंत आपत्ति जताया था इसको कि हमें 1985 नहीं चाहिए, हमें खतियान आधारित स्थानीय नीति चाहिए। और खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेके लगातार हम लोग सड़क से सदन तक आंदोलन की अभी भी कर रहे हैं, और लास्ट हम लोग विधानसभा घेराव से लेके आप देखें विधानसभा का प्रोसीडिंग उठा के देखें, हम लोगों ने आसू पार्टी ने तो कई इतिहास रचा 1932 खतियान आधारित, हम लोगों ने विधानसभा हर सत्र में इस मांग को लेकर हम लोग सड़क से सदन तक सरकार को घेरने का काम किया। ये सरकार तो 32 करते करते 2023 में आ गई, 60-40 ले आई, तो इसका जवाब राज्य की जनता डुमरी में देगी। देखिए आसू पार्टी का अपना जनाधार है, एनडीए का अपना जनाधार, और ऐसे भी अगर आप देख ले 2019 को ही देख ले, भारतीय जनता पार्टी और आसू का वोट को देख ले तो कौन कहां पर टिकता है ये देख लीजिए। अगर हम सिंपल तरीके से आसू और बीजेपी की वोट से जोड़ देते हैं तो हम 2019 में भी विधानसभा जीते हुए थे, और अब तो हम लोग साथ में चल रहे हैं, और 2019 में 1000 वोट आया, इस बार 1.5 लाख वोट एनडीए गठबंधन को मिलेगा। इस बार सरकार की करने, सरकार राज्य की जनता को जितना आश्वासन दी है, जितने वादे किए हैं, उसको कहाँ एक भी पूरा नहीं कर पाई। और निश्चित रूप से डुमरी से ये 2024 का आगाज है, सरकार को निश्चित रूप से यहाँ पर परास्त होना होगा। रामगढ़ का इतिहास इस बार हम लोग डुमरी में भी दोहराएंगे, और 2024 का ये आगाज है केंद्र के लिए भी और राज्य के भी, निश्चित रूप से हम लोग शानदार जीत दर्ज कराएंगे एनडीए का यहाँ से डुमरी में। निश्चित रूप से 2024 का शानदार आगाज होगा, जिसका अंजाम 2024 में दिखेगा। इंडिया अलायंस ये कह रही है कि ये सब कोई मुद्दा नहीं है, पूर्व शिक्षा मंत्री को शिक्षा दिवस के अवसर पर वहाँ की जनता श्रद्धांजलि सभा अर्पित करेगी, ये सब फॉर्मेलिटी है, जीत गए। देखिए जिनकी बात कर रहे हैं, जिनके श्रद्धांजलि की बात कर रहे हैं,
असली श्रद्धांजलि तो तब होता कि जब उनकी अंतिम इच्छा 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति ये सरकार लागू करने का काम करती। अगर ये सरकार 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करती वही असली श्रद्धांजलि जगन्नाथ जी के प्रति होता। तो ये सरकार ने नहीं किया, बल्कि अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनके 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 के लिए आज वो उनकी मैडम को जिनको बेबी जी को मंत्री बनाया गया है, आप समझिए कि किस विभाग का मंत्री दिया गया, ये तो कहीं ना कहीं उनको अपमानित करने का काम किया जा रहा है कि दारू विभाग का मंत्री बनाया गया, शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्री की परिवार जिनको दारू मंत्री का प्रभार दिया गया, तो कहीं ना कहीं जगन्नाथ जी के परिवार को अपमानित करने का काम किया गया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in